हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। लास्ट टाइम हमने क्या देख लिया? ये इक्वेशन, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि गेट में जो क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं, टाइम रिस्पांस वाले यूनिट से आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी कहानी के इर्द गिर्द, इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो एरर से आते हैं। एरर भी पढ़ने वाले हैं, इसको भी आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो फाइनली एक चीज़ समझ में आ गई कि यदि हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम को यूनिट स्टेप इनपुट देते हैं तो आउटपुट जो आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण गेट पॉइंट ऑफ व्यू से है, और उसकी इक्वेशन जो है दैट इज द e1 - e to the power sorry 1 - e to the power minus zeta omega nt divided by under root of 1 - zeta square, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, फिर थीटा इज नथिंग बट कॉस इनवर्स जीटा। क्लियर है? ओमेगा डी क्या है? डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी है, और ओमेगा डी की वैल्यू जो होती है वो तो आप जानते ही हैं, दैट इज नथिंग बट ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर। जीटा इज द डैम्पिंग रेशियो ओवर हियर, जीटा ओमेगा इज द डैम्पिंग फैक्टर, एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो हम इसे ग्राफिकली ड्रॉ करने वाले हैं, आउटपुट ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट कैसा आता है। तो इसका जब आउटपुट ड्रॉ करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो जो होता है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ उसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमने वाली है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं करता हूँ। ये बना लिया और दिस इज नथिंग बट द ग्राफ आउटपुट सी ऑफ टी जो निकाल के लाया ना, 1 - दिस एंटायर फॉर्मूला जो कि आपको दिमाग में याद करके चलना है मेरे बच्चे, दिस इज नथिंग बट द सी ऑफ टी। ये रहा कैसे क्या होता है भैया, जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो है, आप जीरो की वैल्यू डाल के रख लीजिए, एंड दिस इज द वैल्यू सी, फाइनल वैल्यू जो भी इसकी इन्फाइनाइट, टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पर जो वैल्यू जहाँ पे ये सेटल डाउन हो जाना है, दिस इज द वैल्यू ओवर हियर। ये जाएगा, देर वुड बी सम ऑसिलेशन, बट चूंकि ये अंडरडैम्प्ड सिस्टम है, अंडरडैम्प्ड सिस्टम, और एक और कहानी, ये जीटा की वैल्यू जीरो से लेके वन के लिए हम लेके आए हैं, यानी कि ऑसिलेशंस नेचुरली कंटिन्यू नहीं होंगे, वो डैम्प्ड हो जाएंगे, तो ये कहानी डैम्प्ड हो गई। ये इसका ग्राफ है जिसके बारे में हम एनालिसिस करने वाले, इसके पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपके लिए कर देता हूँ, और ओवरव्यू में हम क्या देखेंगे, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लेंगे हम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हम चार आउटपुट देंगे, तीन देंगे, चार नहीं दे रहे, दो ही देते हैं, चलो डेल्टी देते हैं और यूनिट स्टेप इनपुट देते हैं, दोनों से आउटपुट आएंगे, अलग अलग आउटपुट आएंगे ना, चार चार आउटपुट आएंगे ना, जीटा के अलग अलग वैल्यू, चारों को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये मैंने आपके लिए बना दिया है, मैंने क्या बोला, इम्पल्स रिस्पॉन्स देखेंगे, स्टेप रिस्पॉन्स देखेंगे। इम्पल्स रिस्पॉन्स जब डेल्टी इनपुट पर दोगे, स्टेप रिस्पॉन्स जब यू ऑफ टी इनपुट पर दोगे फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ये पूरी जो कहानी है ये हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए कर रहे हैं भैया लोग, ये बात ध्यान रखना। ओके, क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे ये हुआ कि जीटा की चार वैल्यू है, जीटा इक्वल टू जीरो देंगे तो ऐसा होगा, जीटा इस रेंज में ऐसा होगा, आगे पेज में हम देखेंगे जीटा वन पे ये होगा, जीटा ग्रेटर देन वन पे ये होगा। चलो वन बाय वन देख लेते हैं क्या होगा। जब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को आप यूनिट इंपल्स इनपुट दोगे तो आउटपुट जीटा इक्वल टू जीरो के लिए आएगा सस्टेंड ऑसिलेशन, नेचुरल ऑसिलेशन, जिसकी इक्वेशन क्या है, ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी, वेयर ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पे कोई भी डैम्पिंग है क्या, नहीं है, फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन है, जहाँ डैम्पिंग होगी वो फ्रिक्वेंसी ओमेगा डी आपको देखने को मिलेगी। सी ऑफ टी देख लीजिए, इक्वेशन एक साइनोसोइडल है, ग्राफ है इसका, नो डैम्पिंग ओवर हियर, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा एन है, और जीटा इक्वल टू जीरो, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दो चीजें हैं आपके लिए, है ना। बट सेम कहानी पे व्हेन जीटा इज इक्वल टू जीरो है लेकिन इनपुट यूनिट स्टेप है, तो उस केस में आउटपुट आता है 1 - cos ओमेगा एन टी, और उसका ग्राफ, वन में से इसके ग्राफ को यदि आप माइनस करेंगे तो आपके लिए मिलने वाला है कुछ ऐसा ग्राफ। और यहाँ भी ऑसिलेशन जो है वो नेचुरल ऑसिलेशन है, कंटिन्यूस ऑसिलेशन है, टी इक्वल टू इन्फाइनाइट, तो सेम कहानी आपको मिलेगी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा एन आपको इसीलिए दिखाई दे रहा है इक्वेशन में, है ना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जीटा की वैल्यू जीरो से वन में है ना, सस्टेंड ऑसिलेशन नेचुरली पॉसिबल भी नहीं है, कोई भी सिस्टम बनाया आपने ऑसिलेट करने के लिए भी बनाया तो ओवर द टाइम उसको ऑसिलेशन में डिके
होना ही होना है भैया, जीरो से वन जीटा की वैल्यू रखते हैं और इंपल्स रिस्पांस देखते हैं तो वो क्या आता है, सी ऑफ टी इक्वल टू ओमेगा एन टू बाय जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय वन माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट साइन ओमेगा डी टी। देखो डैम्पिंग जहां भी इन्वॉल्व है वहां ओमेगा डी देखने को मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो जब इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आएगा, यहाँ पे जो सस्टेंड ऑसिलेशन थे अब वो सस्टेंड नहीं रहे, वो डैम्ड हो गए। ये डैम्पिंग, ये वाली जो कहानी है ना, ये फैक्टर आ गया ना, ये इसको डैम्ड कर दिया। ये फैक्टर को हटा दो तो पूरी कहानी वही है जो ऊपर है, ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी टाइप की, ये देख लो। अभी ना समझ में सर, सबसे महत्वपूर्ण तो ये था क्योंकि आपने बोला था स्टेप रिस्पांस इस रेंज में सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए देखना है और उसकी इक्वेशन सर हमें याद हो गई है, वन माइनस ई टू बाय जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, गॉट द पॉइंट। ओके जी, अब आपके पास ये है इसका ग्राफ जिसका हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम इसे देखने के बाद। चलिए दो और हमारे पास बचे हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यदि जीटा इक्वल टू वन, इसको हम क्रिटिकली डैम सिस्टम बोले थे, इसको हम ओवर डैम सिस्टम बोले थे, और जो बीत गया उसे अंडर डैम सिस्टम और अनडैम सिस्टम बोले थे। दिस इज द अंडर डैम्ड सिस्टम और ये अनडैम्ड सिस्टम, ये क्या था, अनडैम्ड सिस्टम, ध्यान रहेगी बात। ओके लेट्स कम ओवर हियर, देख लीजिए जरा, यदि आप सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए इंपल्स रिस्पांस देखेंगे तो वो आएगा ओमेगा एन स्क्वायर टी मल्टीप्लाई विद ए टू बाय माइनस ओमेगा एन टी, जिसका ग्राफ ये होने वाला है, और स्टेप रिस्पांस देखोगे तो होने वाला है सी ऑफ टी इक्वल टू वन माइनस ई टू द पावर में ओमेगा एन टी माइनस ओमेगा एन टी टू पावर में, समझ गए आप बात को। यहाँ जीटा मिसिंग है क्योंकि जीटा की वैल्यू तो वन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है। फुल कोर्स में सब कुछ देखे हैं, जाके जीसेंटिक एप्लीकेशन पे पूरा कंट्रोल सिस्टम पढ़ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। व्हेन जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन वन, इसे हमने ओवरडैम सिस्टम बोला। दोनों ग्राफ आपके सामने है, दोनों इक्वेशन आपके सामने। अब जरा ध्यान से देखो, एक ही चीज यहाँ पे देखने योग्य है, क्रिटिकल डैम से आपने इसको इतना डैम कर दिया, ओवरडैम से ये और ज्यादा डैम्ड हो गया, मतलब समझ रहे हो। यहाँ पे यदि ये ऐसा जा रहा था तो ओवरडैम के लिए ऐसा जाएगा, बहुत ज्यादा डैम्पिंग कर दी, ओवरडैम कर दिया ऑसिलेशन। जब भी ओवरडैम्ड या डैम्ड सिस्टम आएंगे, क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम आएगा तो ऑसिलेशन नाम की चीज नहीं दिखेगी, ओवरडैम पे भी नहीं दिखेगी, क्रिटिकल डैम पे भी नहीं दिखेगी। लेकिन अंडर डैम्ड में फंक्शन जो है, आउटपुट जो है, वो ऑसिलेट करते करते एकदम डिके करेगा। इतनी कहानी क्लियर है, हम आगे बढ़ रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में, अब चर्चा करेंगे। चलिए सर, इसके बारे में हम पोस्टमार्टम करना है, ये क्या है, ये स्टेप रिस्पॉन्स है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नथिंग बट द स्टेप रिस्पॉन्स। किसके लिए, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, कौन सी रेंज में, जीटा की रेंज जीरो से वन, यानी कि ये एक अंडर डैम सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, और इसकी इक्वेशन है वन माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अंडर रूट ऑफ वन माइनस जीटा स्क्वायर एंड यहाँ पे साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, यू नो थीटा क्या है, ओमेगा डी क्या है ना। अच्छा, इसको सेटल कहाँ होना भैया, ऑब्वियस सी बात है सर, जो भी फंक्शन होगा वो सेटल उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू पे होगा, यस और नो, दिस इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट वैल्यू। सी ऑफ जीरो क्या हो गई, उसकी इनिशियल वैल्यू। कोई दिक्कत है क्या इसमें सर, नहीं है। वेर इज द सी इनिशियल, हियर इट इज सी ऑफ जीरो। सी इनफाइनाइट कहाँ है, यहाँ सी इनफाइनाइट है, आपका ग्राफ आपका रिस्पॉन्स सी इनफाइनाइट पे जाके सेटल हो जाएगा। बट वो जब रेज होगा ना तो एक समय ऐसा आएगा कि वो अपनी सी इनफाइनाइट को भी क्या करेगा जी, पार करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वो फाइनली सेटल डाउन हो जाएगा। ये रिस्पॉन्स है किसका, आपके यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, दिस इज नथिंग बट यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम इन द रेंज ऑफ जीटा फ्रॉम जीरो टू वन, गुड पॉइंट। ओके ना, इसमें कुछ चीजें हैं देखने की, वो हमें देखने हैं। ओके हम देखना उन्हें चालू करते हैं, अब ध्यान से सुनते जाइएगा क्योंकि इसी पे टाइम डोमेन जो पैरामीटर्स हैं, आप डिले टाइम देखेंगे, राइज टाइम देखेंगे, सेटलिंग टाइम देखेंगे, इन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चन आपने देखे ना, वो यहीं से हम पैदा करने वाले हैं। देखो जरा,
ये ग्राफ ये जनरेट हुआ, इसका आउटपुट रिस्पॉन्स हुआ और सी इनफाइनाइट पे सेटल हो गया। दिस वैल्यू इज नथिंग बट द सी इनफाइनाइट, दिस इंटायर वैल्यू इज नथिंग बट द सी इनफाइनाइट। जरा ध्यान से देखना आप मेरी बात को, ये जो फंक्शन यहां पे रेज हुआ रेज हुआ रेज हुआ और ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे? मैक्सिमम वैल्यू। यहां पे ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू देगा, समझ में आ गई ना बात? ओके चलिए, मैक्सिमम वैल्यू जिस समय पे देगा, यहां पे आई थिंक इसका प्रयोग करना चाहिए मुझे, मैक्सिमम वैल्यू जिस भी समय पे देगा उसको हम पीक टाइम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पीक टाइम बोलते हैं एंड द रिस्पॉन्स इज नथिंग बट आउटपुट सी एट टी इक्वल टू टी पी। इसको क्या बोलते हैं? पीक टाइम, जहां पे हाईएस्ट आउटपुट आपको मिले उसको हम पीक टाइम बोलते हैं। वेरी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक, एक और पॉइंट है डिले टाइम। जैसे ही सिस्टम आपका यहां से रेज होना चालू हुआ, वो अपने 50% वैल्यू पे, जहां भी जब भी 50% वैल्यू पे पहुंच जाएगा और उसको पहुंचने में जितना भी समय लेगा, उस समय को हम बोलते हैं डिले टाइम। क्या बोलते हैं जी? डिले टाइम। सो दिस इज द आउटपुट ए टी डी 50%। देखो इसका हाईएस्ट है यहां तक, सी इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट वैल्यू का जस्ट 50% रेज होने में जितना समय लगेगा इस ग्राफ को, इस ग्राफ को जितना समय लगेगा उसे हम डिले टाइम बोलते हैं। सारे पॉइंट्स मैं खोल रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नाउ एक और टाइम है, दैट इज द रेज राइज टाइम, और वो बोलता है कि इसको हम लेते हैं इसके 10% से 90% के बीच का समय। मतलब आपका ग्राफ 10% से 90% तक आने में जितना समय लेगा उसे राइज टाइम बोलते हैं। मतलब यहां से दिस इज नथिंग बट टी राइज, कहां तक? यहां तक, दिस समय। यानी कि इस रिस्पॉन्स के 10% से 90% तक होने में जितना समय लगेगा, 10% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू, ये जो ग्राफ है इसके 10% से 90% तक जाने में जितना समय लेगा, जितना टाइम लेगा, उस टाइम को हम बोलते हैं राइज टाइम। याद रहेगा राइज टाइम। ये अंडरडैम्ड सिस्टम के लिए ये रेंज है, अंडरडैम्ड सिस्टम के लिए। ठीक है, ओवरडैम्ड सिस्टम के लिए भी होता है, क्रिटिकल डैम सिस्टम के लिए भी होता है, सबकी चर्चा करेंगे हम। अभी चूंकि इस रेंज में देख रहे हैं तो हम इसी की बात करते हैं। तीन चीजें मैंने बताई, डिले टाइम, राइज टाइम और पीक टाइम, है ना। नाउ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम बचा हुआ है, वो है सेटलिंग टाइम। ये ग्राफ स्टार्ट होते 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 हुए फाइनली यहां पे सेटल कर गया, फाइनली यहां पे सेटल कर गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी एररलेस आउटपुट कभी नहीं होता, इसके और उसके बीच में पक्का डिफरेंस रहने वाला है, डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं। और उस एरर को यदि इनफाइनाइट पर ट्रैक करें तो स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं, मतलब एरर एट इनफाइनाइट, यू नो वेरी वेल, है ना, एरर विल बी देयर। सो कभी भी ये ग्राफ इस लाइन पे सेटल नहीं करेगा सी इनफाइनाइट पे, बिकॉज एरर इज देयर। तो इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जरूर करेगा, इसके यहां से 2% अवे या 5% अवे, समझ लो इस लाइन से 2 या 5% वाली रेंज में ये जरूर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में करेगा सटल, है ना। तो ये जो ग्राफ है ये फाइनल आउटपुट के जस्ट 2% या 3% या 4% या 5% की प्रॉक्सिमिटी में सेटल कर जाए, और उसे जितना समय लगेगा उसे हम टी सेटलिंग बोलते हैं। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ यहां से यहां तक में सेटलिंग टाइम, दिस इज नथिंग बट द सेटलिंग टाइम। आगे बात समझे, सबके फॉर्मूले हैं, लिखवाएंगे, ये चीज महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब जरा इसमें देखो ध्यान से, और वो ये कि इस ग्राफ को आप इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ये ऊपर जा रहा है फिर सेटल, ये ऑसिलेशंस कर रहा है, बट ऑसिलेशन डैम्प ऑसिलेशन है। जब इसकी फाइनल स्टेज आएगी तो ऑसिलेशन नहीं रहेंगे, इनफाइनाइट सी इनफाइनाइट जो वैल्यू होनी चाहिए वो हो जाएगी।
ये जो आया ना पहला, ये जो ओवरशूट आया इसे हम बोलते हैं पीक ओवरशूट, इसे बोलते हैं पीक ओवरशूट, ओवरशूट और पीक यानी कि मैक्सिमम, और ये है पीक अंडरशूट, दिस इज नथिंग बट अंडरशूट। तो ये पहला पीक ओवरशूट है, ये दूसरा पीक ओवरशूट है, ये तीसरा पीक ओवरशूट, ये फोर्थ पीक ओवरशूट है, ये अंडरशूट है पहला, ये दूसरा अंडरशूट है, तीसरा अंडरशूट है, समझ गए ना बात को, ये ओवरशूट बोलते हैं। तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम पीक ओवरशूट से भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसका भी फॉर्मूला लेके आएंगे, इन सारी चीजों का हम फॉर्मूला लेके आने वाले। अब यदि इसकी इंटायर टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस देखेंगे, तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस इस यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं, हमने क्या देखा सर, इसकी ट्रांजिएंट कंडीशन देखेंगे, इसका ट्रांजिएंट बिहेवियर देखेंगे और स्टेडी स्टेट बिहेवियर देखेंगे। तो ये तमाम पैरामीटर्स यहां से यहां तक ये सारे ट्रांजिएंट के है या नहीं, ट्रांजिएंट में क्या क्या देखेंगे, पीक ओवरशूट क्या होता है देखेंगे, टीपी देखेंगे, टीडी देखेंगे, टी राइज देखेंगे, टी सेटलिंग देखेंगे, और जब स्टेडी स्टेट की बात हो जाएगी तो स्टेडी स्टेट की एक ही चीज बढ़ी, दैट इज द एरर, उस एरर के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, है ना। ओके जी, अब हम इन सब का फॉर्मूला लिखते हैं आपके सामने, है ना। सबसे बड़ा या सबसे पहले हमारे पास जो पैरामीटर है दैट इज द टी पी के बारे में चर्चा करते हैं, दिस इज नथिंग बट द पीक टाइम, और पीक टाइम इज नथिंग बट एन पाई बाई ओमेगा डी, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप, दिस इज नथिंग बट द पीक टाइम, है ना। यदि एन की वैल्यू वन रखते हैं आप, एन की वैल्यू वन रखते हैं तो आपको पहला पीक ओवरशूट मिलेगा, क्या मिलेगा, पहला पीक ओवरशूट, पहला पीक ओवरशूट। एन इक्वल टू टू रखेंगे तो पहला अंडरशूट मिलेगा, पीक अंडरशूट, पहला अंडरशूट, है ना। एन की वैल्यू यदि तीन रखोगे तो दूसरा, देखो ये एन की वैल्यू वन के लिए है, हियर एन की वैल्यू वन है, यहाँ पे एन की वैल्यू टू है, एन की वैल्यू थ्री है, एन की वैल्यू फोर फाइव, एन की वैल्यू यदि टू रखोगे उस फॉर्मूले में तो ये टाइम मिलेगा, थ्री रखोगे तो ये टाइम मिलेगा, फोर रखोगे तो ये वाला टाइम मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला टाइम मिलेगा, समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ पे क्या बोला मैं, एन की वैल्यू वन पे पहला ओवरशूट है ना, पहला ओवरशूट है ये रहा, और एन इक्वल टू टू रखोगे तो यहाँ पे तो अंडरशूट मिल रहा है, एन इक्वल टू थ्री पे आपको क्या मिल रहा है, दूसरा पीक ओवरशूट, दूसरा पीक ओवरशूट, एन इक्वल टू फोर रखोगे तो यहाँ पे मिलेगा दूसरा पीक अंडरशूट, समझ में आ गई ना बात। द फॉर्मूला इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज नथिंग बट योर पीक टाइम, पीक टाइम, इतने बात क्लियर है ना। ओके, लेट्स कम टू दिस, यहाँ पे हम टी राइज देखेंगे, जो कि अगेन एक महत्वपूर्ण चीज है, फॉर्मूला कैसे क्या डिराइव हुआ वो तो हमने फुल कोर्स में देख लिया, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करेंगे, और ये है पाई माइनस थीटा बाई ओमेगा डी, ठीक, थीटा इज ओमेगा कॉस इनवर्स जीटा, रेडियन पर सेकंड में इसकी यूनिट है, ओमेगा डी आपको पता है क्या है, पाई की वैल्यू आपको बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज नथिंग बट द राइज टाइम। ओके, नाउ हमने क्या देखा था कि यदि जीटा की वैल्यू जीरो से लेके वन में है तो राइज टाइम आपको कहाँ से कहाँ देखना है, हमने क्या देखा था भाई, गलत देख देना है ना, ना ना 10 to 90% नहीं नहीं, दिस इज नॉट फॉर द अंडर डेन सिस्टम, ये गलत हो गया, दिस इज फॉर जीटा ग्रेटर देन वन, यदि आपके पास जीटा इन द रेंज ऑफ दिस हो, यानी कि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए 0 to 100% रेज होने में जितना समय लगेगा, यानी कि 0 to 100% यहाँ तक होने में जितना समय लगेगा, दैट इज द टी राइज, आप इसे कन्वर्ट यहाँ पे कर सकते हैं, चलो यहाँ पे भी समझ लेता हूँ मैं, इसके लिए यह है 0 to 100%, 0 to 100%, यदि जीटा की वैल्यू 1 होती तो ये 5% to 95%, और जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए यह होता है लिमिट 10% to 90%, 10% to 90% ऑफ व्हाट, फुल स्केल बोले तो, सॉरी स्टेडी स्टेट वैल्यू, सी इनफाइनाइट का 0% से सी इनफाइनाइट का 100% होने में जितना समय लगेगा वो राइज टाइम होगा, किसके लिए भैया, राइज टाइम इस लिमिट के लिए, इसके लिए, इसके लिए, बात समझ में आ गई, फॉर्मूला डायरेक्टली क्या है, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, आगे बढ़ते हैं सर, राइज टाइम हो गया, लेट्स टॉक अबाउट द डिले टाइम,
ओके, डिले टाइम का फॉर्मूला है सिंपल सा फॉर्मूला, टी डी इक्वल टू 1 + 0.7 जीटा डिवाइड बाय ओमेगा एन। अब एक और महत्वपूर्ण है एंड दैट इज नथिंग बट द सेटलिंग टाइम, टी एस बोलते हैं, ठीक है, सेटलिंग टाइम। अच्छा, सेटलिंग टाइम को जैसे आप, मैंने बोला था ना कि 2% से 5% की रेंज में हम इसे देखते हैं, 5% की रेंज में हम इसे देखते हैं, ठीक है। 0% कभी पॉसिबल नहीं होता, क्लोज प्रॉक्सिमिटी कंप्लीट इनफाइनाइट वैल्यू कभी गेन नहीं कर सकते, तो अलग अलग रेंज के लिए इसको देखते हैं। मान लो आपको 2% के बैंड, 2% बैंड मतलब दिस इज द फाइनल वैल्यू, इसका 2% ये रेंज, ये जस्ट 2% वेरी वेरी क्लोज, 3% मतलब दूरी, 5% मतलब और दूरी, बैंड को समझ रहे हो आप, इस बैंड को 5% 2% 3%, तो 2% का मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज, 3% कम क्लोज, 5% बहुत कम क्लोज। तो दिस इज नथिंग बट द, देखो 4 times ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट, और टाइम कॉन्स्टेंट क्या है, 1/g(ωn), जीटा ओमेगा एन है ना, टाइम कॉन्स्टेंट का 4 times होगा कब, 2% यदि आप सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, तो 3% यदि सेटल डाउन करना होता, 3% यदि करना होता तो इसकी वैल्यू आपके पास आती 5 times ऑफ टाउ, और यदि 5% यदि रहती तो इसे करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 times ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट लगता। चलिए, तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया होगा आपको कि 3 अलग अलग बैंड के लिए मैंने आपको बताया है सेटलिंग टाइम, और बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में कभी कभी आ जाता है 2% बैंड के लिए पूछेगा, तो 4 times ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट हम यूज़ करेंगे। टाइम कॉन्स्टेंट देखा ना, 1/g(ωn), 5% की जब बात करेगा तो 3 tau, 3% की जब बात करेगा 3.5 tau, जनरली आपको सिर्फ 2% और 5% मिलेगा, लेकिन कभी कभार ये भी बोले एकदम 0% प्रॉक्सिमिटी, एकदम सेटल कर दीजिए, कंप्लीट सेटल कर दीजिए, तो कंप्लीट सेटल करने में 5 tau अप्रोक्सीमेटली समय लगेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे से मिस हो रहा है, दैट इज द मैक्सिमम पीक ओवरशूट का, दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम पीक ओवरशूट। अब देखो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ से आई है भैया, हम ऑलरेडी फुल कोर्स में डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि बेहतरीन तरीके से कहाँ पे अवेलेबल है, जी सैंटिक एप्लीकेशन पे अवेलेबल है ना। देखो जैसे हमने देखा था कि कहानी जो है ये कुछ इस साइड इस टाइप से जा रही, दिस इज नथिंग बट द सी इनफाइनाइट, यस और नो, और ये एक पर्टिकुलर समय ऐसा है कि यहाँ पे आ गया ये दिस, तो ये जो डिफरेंस है ना यही ओवरशूट को शो कर रहा है, यस और नो, ओवरशूट के बारे में कौन चर्चा कर रहा है, कौन बता रहा है, दिस, सो दिस सी टी पी माइनस सी इनफाइनाइट यही आपका मैक्सिमम पीक ओवरशूट है, बट हमेशा इसे हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस सी इनफाइनाइट, इसी का परसेंटेज निकालते हैं, सो दिस इज नथिंग बट द परसेंटेज पीक ओवरशूट, क्या है ये, परसेंटेज मैक्सिमम पीक ओवरशूट, ओवरशूट क्या है, सी टी पी माइनस सी इनफाइनाइट डिवाइड बाई सी इनफाइनाइट टू 100। नाउ सी टी पी, अच्छा सी ऑफ टी तो हमारे पास है ना, 1 - g(2)ωnt डिवाइड बाई 1 - θ² साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, वहां पे टी पी रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इनफाइनाइट रखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो फाइनली इसका एक सिंगल फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम पीक ओवरशूट, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना, मैक्सिमम पीक ओवरशूट इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मान लो मैक्सिमम अंडरशूट की बात कर रहे होते हैं ना, तो यही फॉर्मूला बन जाता, मैक्सिमम पीक अंडरशूट की जब बात होती तो यही फॉर्मूला हो जाता ई टू माइनस जीटा 2π डिवाइड बाई 1 - θ² ध्यान रखिएगा, और गुणा 100 कर दीजिएगा तो ये परसेंटेज वैल्यू है एक्चुअली। ये सारे फॉर्मूले सब जानते हैं भैया, सब कुछ जानते हैं, अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे और क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, ओके।